Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our topic is medical ethics. The learning objectives of today topic is introduction, principles of medical ethics, which consist of autonomy, beneficence, confidentiality, non-maleficence, equity or justice, human rights and oath declaration. Introduction. Medical ethics. It is the branch of ethics that deals with moral issues in medical practice. Medical ethics is a system of moral principles that apply values to the practice of clinical medicine and in scientific research. यानी हम clinical medicine patient को deal करते वक्त या कोई भी scientific research करते वक्त जो ज़ाब्ते अख़लाक को हम फॉलो करते हैं उसको हम मेडिकल एथिक्स कहते हैं. मेडिकल एथिक्स इज़ द फील्ड विच कंसिडर्स द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज टू एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ पर्सन्स इन मेडिकल प्रैक्टिस. कि मेडिकल प्रैक्टिस में जो भी बंदा हो उसका बिहेवियर या एटीट्यूड पेशेंट के साथ किस तरह होना चाहिए उस ज़ाब्ते अखलाक को हम मेडिकल एथिक्स कहते हैं. मेडिकल एथिक्स के सबसे बड़े पांच बड़े उसूल ये हैं. नंबर वन है ऑटोनॉमी, जिसका मतलब है ख़ुद मुख्तारी, ऑटो सेल्फ एनोमस रूल, कि पेशेंट के पास ख़ुद मुख्तारी होती है कि उसकी अपनी मर्ज़ी होती है कि उसने ट्रीटमेंट लेनी है, सर्जरी करनी है या क्या फ़ैसला करना है. दूसरे नंबर पे है बेनिफिशंस. बेनिफिशंस का मतलब है फ़ायदा देना, वेल बींग ऑफ अदर्स, कि हम जो भी एक्शन लेंगे, जो भी हम फैसला करेंगे वो पेशेंट के फ़ायदे के लिए करेंगे. तीसरा उसूल जो मेडिकल एथिक्स में है वो कॉन्फिडेंशियलिटी है, जिसका मतलब है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी राजदारी. फोर्थ वन है नॉन मेलिफिशंस, डू नॉट हार्म, यानी हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. जो भी पेशेंट हमारे पास आएगा, जो भी मरीज़ हमारे पास आएगा, हम एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर हम उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. फिफ्थ वन है इक्विटी और जस्टिस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शल, यानी हम इंसाफ के तकाज़ों को रखते हुए फैसला करेंगे कि हमने कौन सा इलाज करना है या कौन सा एक्शन लेना है इन फेवर ऑफ द पेशेंट. तो दीज आर द फाइव बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एथिक्स. फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल इज ऑफ मेडिकल एथिक्स इज ऑटोनॉमी. ऑटोस मीन सेल्फ एंड नॉमस मीन रूल, जिसका मतलब है ख़ुद मुख्तारी, कि पेशेंट के पास ख़ुद मुख्तारी होती है फैसला करने की. पेशेंट हैज़ फ्रीडम ऑफ थॉट, इंटेंशन एंड एक्शन व्हेन मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग हेल्थ केयर प्रोसीजर्स, कि ये पेशेंट की अपनी मर्ज़ी है कि उसने दवाई लेनी है या नहीं लेनी, उसने इंजेक्शन लगाना है या नहीं लगाना, उसने ऑपरेशन सर्जरी करनी है या नहीं. तो इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट ऑन विल. फॉर अ पेशेंट टू मेक अ फुली इन्फॉर्म्ड डिसीजन, शी ही मस्ट अंडरस्टैंड ऑल रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोसीजर एंड द लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस, कि हम पेशेंट को जो भी ट्रीटमेंट एडवाइस करें या कोई भी सर्जरी एडवाइस करें तो हम उसके नुकसानात और उसके फ़ायदे के बारे में खाबाखा बताएं कि आपको इस प्रोसीजर से ये फ़ायदे हैं और ये नुकसानात है. उसके बाद पेशेंट की अपनी मर्ज़ी है कि वो उसको अडॉप्ट करें या ना करें. इसको हमने फॉलो करना है, इस रूल को मेडिकल प्रैक्टिस में व्हेन डीलिंग विद द पेशेंट. दिस इंक्लूड्स द नीड टू टेल द ट्रुथ, इन उसको हमने सच्चाई बतानी है. And to be faithful to one's commitments, और हमने वफादारी के साथ उसके साथ पेश आना है. Second rule जो medical ethics में है वो beneficence, यानी well-being of others, कि हमने जो भी action लेना है वो फ़ायदे के लिए लेना है. The term beneficence refers to actions that promote the well-being of others. In the medical context, this means taking actions that serve the best interest of patients and their families, कि हमने मरीज़ के बारे में ऐसा फैसले कर
اپنے ہیں کہ وہ اس کے لیے فائدہ مند ہو اور اس کے خاندان کے لیے فائدہ مند ہو کہ اس کو کوئی ہم فائدہ پہنچائے. دا میڈیکل پریکٹیشنر شوڈ ایکٹ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا پیشنٹ. دا پروسیجر بی پرووائڈیڈ ود دا انٹینٹ آف ڈوئنگ گڈ ٹو دا پیشنٹ. کیا ہم نے اگر اس کو کوئی سرجری کرنی ہے, کوئی میڈیسن ایڈوائز کرنی ہے, یا کوئی بھی پریونشن میئر یا ٹیسٹ ایڈوائز کرنا ہے, تو وہ پیشنٹ کے فائدے کے لیے ہوگا. پیشنٹس ویلفیئر از دا فرسٹ کنسیڈریشن. سو دس از دا سیکنڈ بیسک پرنسپل آف میڈیکل ایتھکس.